हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज का टॉपिक है व्हाट इज मैरिज, यानी विवाह क्या होता है और समाज शास्त्र में इसका अर्थ और परिभाषा क्या है। तो फ्रेंड्स, पहले आपको ये बात तो जरूर याद रखनी होगी कि विवाह जो है एक सामाजिक संस्था यानी कि सोशल इंस्टीट्यूशन है। चाहे हम पुराने समाज की बात करें या नए समाज की बात करें, ये संस्था जो है सभी समाजों में पाई जाती है। विवाह हमारी यौन संबंधों जैसी जरूरतों को पूरा करता है। अगर हम यौन संबंधी इच्छाओं को विवाह संस्था से बाहर पूरा करेंगे तो इससे क्या होगा कि परिवार का निर्माण होना असंभव हो जाएगा, यानी कि परिवार संस्था जो है खतरे में पड़ जाएगी, जिसके कारण सामाजिक ढांचा यानी कि स्ट्रक्चर जो है समाज का बिगड़ जाएगा। विवाह एक ऐसी संस्था है जो आदमी और औरत को पारिवारिक जिंदगी जीने की अनुमति देता है, और समाज भी आदमी और औरत के संबंधों द्वारा पैदा हुए बच्चे को कानूनी तौर से स्वीकार कर लेता है। तो आइए अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि विवाह संस्था हमारे समाज में कैसे पनपी, यानी कैसे उत्पन्न हुई और इसकी जरूरत क्यों पैदा हुई। तो आइए, मार्गन जो है एक समाज शास्त्री रहे हैं, उन्होंने जो अध्ययन किया है उससे विवाह संस्था के बारे में बात करते हैं। मार्गन ने जब प्राचीन मानव का अध्ययन किया तो उन्होंने क्या देखा कि समाज में व्यक्तियों की जिंदगी पशुओं के समान थी और बच्चों के जो पालन पोषण की जिम्मेदारी भी है वो किसी के द्वारा नहीं ली जाती थी। इसी समस्या के कारण जो है विवाह संस्था की जरूरत पैदा हुई। तो आइए, मजुमदार जो है एक समाजशास्त्री रहे हैं, उनकी परिभाषा से विवाह संस्था को समझने की कोशिश करते हैं। अकॉर्डिंग टू मजुमदार, मैरिज सोशली अप्रूव्ड यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल वॉज अ सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन बाय सोसाइटी टू सैंक्शन द यूनियन एंड द मीटिंग ऑफ मेल एंड फीमेल फॉर पर्पज ऑफ ए establishing a household, b entering into sex relations, c procreating and providing care for the offspring। यानी मजुमदार के अनुसार विवाह आदमी और औरत को सामाजिक तौर से स्वीकार करता है या फिर आदमी और औरत को शारीरिक संबंध स्थापित करने की मंजूरी देता है, और विवाह का मुख्य उद्देश्य है 1. घर की स्थापना करना, 2. लिंग संबंधों यानी सेक्सुअल रिलेशन में प्रवेश करना, 3. बच्चे पैदा करना, और 4. बच्चों का पालन पोषण करना। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हम कह सकते हैं विवाह नामक सामाजिक संस्था हमारी शारीरिक जरूरतों यानी सेक्सुअल नीड्स को पूरा करती है। इसे कानून द्वारा भी स्वीकारा जाता है। इससे हम घर की स्थापना करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और बच्चों का पालन पोषण करते हैं। मान लीजिए अगर आप बिना विवाह के शारीरिक संबंध यानी सेक्सुअल रिलेशन बनाते हैं तो उसे समाज द्वारा गैर कानूनी यानी कि इलीगल समझा जाएगा, और पैदा हुए बच्चे के लिए भी नाजायज बच्चा यानी इलीगल चाइल्ड शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी विवाह संस्था। अगर आप विवाह के टाइप्स और फॉर्म्स के बारे में जानना चाहते हैं तो इसी चैनल पर विवाह संबंधी एक और वीडियो अपलोड की गई है, जिससे आप विवाह को और अच्छी तरह से जान सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपको कोई डाउट है, और अगर आप एजुकेशन और सोशियोलॉजी से जुड़ी और वीडियोस को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।